जी भाई सलाम। हमारा नाम मोहम्मद अजरुद्दीन है, स्टूडेंट। हमारा सवाल ये है कि आप जो ये शहवत पे काबू रखे, कभी आदाब मुबाशरत, इस तरह से जो मजामीन रख रहे हैं, इसमें आपका कहना है तो कि लेडीज़ को अलग से बुलाना क्या, और इसमें जो बच्चे आ रहे हैं फिर उसका क्या, और उसके अलावा फिर आपने इसमें आपकी वजाहत की थी कि लेडीज़ को अलग से बुलाना क्या, फिर जिसने पूछा कि किताबों की शक्ल में नहीं हो सकती क्या, तो उसमें आपने ये कहा था कि किताबों की शक्ल में हलाल को हराम भी बताया गया है, तो क्या प्रोग्राम सिर्फ यही एक इस्लामी हो रहा है क्या, यानी कि आप जो शहवत से मुतालिक फरिश्ते कर रहे हैं, तो अगर लेडीज़ का मसला है तो आप उसको लेडीज़ में स्पेशल भी रख सकते हैं इसको, यानी खुलेआम इस तरह से आप जो रखने वाले आइंदा मतलब इसके एहतियात कर सकते हैं या फिर किस तरह से। और एक दफ़ा आपका एक वीडियो ये भी भाई इस पर जब शुरू हुआ था ये स्पीच, तभी फैज भाई ने बहुत उम्दा अंदाज में इसके वजाहत कर दी थी कि ज़रूरी क्यों है। एक मिनट, आपने सवाल ही नहीं, आपका अलग बात चल रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा इसलिए कि वक्त बहुत हो गया, बाकी लोग भी हैं। इसकी वजाहत बार बार फैज भाई ने दी है, और इससे पहले की भी जो अनवान का आपने जिक्र किया है उसके शुरू में भी इसकी वजाहत की गई थी कि ये अनवान क्यों ज़रूरी है और क्यों बोला जा रहा है। मैं आपको रोकना चाहूँगा, कोई भाई अगर सवाल हो तो अपना सवाल रखें, आपका सवाल होगा तो सवाल रख दीजिए। जी आपका सवाल रख दीजिए। जी क्या आपने जो लास्ट में 10th पॉइंट पर जो बताया कि एक शब्द आपने यूज़ किया कि पोर्नोग्राफी, तो अब जिसको नहीं मालूम भी है वो भी जाकर देख रहा है, तो इससे बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है ये भी है? ठीक, मैं शेख से कहूँगा कि आपकी बात का जवाब। भाई ने सवाल किया कि मैंने जो आखिर पॉइंट लिया उस पॉइंट के अंदर एक चीज़ कही पोर्नोग्राफी के ताल्लुक से, अब जिसको नहीं मालूम वो भी देख रहा है। मैं समझता हूँ मुझे इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई पोर्नोग्राफी को पोर्नोग्राफी के नाम से नहीं भी पहचानता तो वो बाकी सारी चीज़ें लोगों को बता मैं तफसीरात में, मतलब किसी एक लफ्ज़ को इंग्लिश में अगर मैं अदा कर रहा हूँ तो आप बड़े लोग उसको सर्च करेंगे, जबकि उर्दू में वो जानते क्या है। ठीक है, लोग बोलते गंदी फिल्में, ये फिल्में, वो फिल्में, सब जानते हो। तो मैंने ऐसा कोई नई चीज़ नहीं बोली कि अब लोग जाके ढूंढेंगे कि अरे इन्होंने कुछ तो बोले पोर्नोग्राफी और वो सर्च करेंगे, बल्कि ये इतना कॉमन हो चुका है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, जो इससे महफूज है बस उतने ही लोग महफूज हैं, इतने ही लोग महफूज। और शहरों में तो कोई बोल ही नहीं सकता कि हमको नहीं पता था ये क्या है। हाँ, ये हो सकता है वो नाम से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं समझता हूँ फहश, बार बार मैंने कहा फहश, गंदी चीज़ें, गंदी तस्वीर, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, तो मैं समझता हूँ ये ऐसी कोई नई चीज़ नहीं थी जो मैं पहली बार किसी खरीय या देहात में बोल रहा हूँ। अब लोग जाके एक्सेस करेंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे और मालूम करेंगे। दूसरा, आपने जो शुरू में कहा था उसकी एक छोटी सी वजाहत देता हूँ कि लेडीज़ के लिए अगर अलग से रखते तो ये शहवत पर काबू करें, इतना कॉमन टॉपिक था और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसके लिए कोई अलग से दर्स वगैरह रखने की किसी को स्पेशल ज़रूरत है। और अगर हम बोले इसमें बच्चे भी थे, तो ये बच्चे जो हमारे बैठे हैं ना, इनको 8th क्लास से रिप्रोडक्टिव सिस्टम चालू होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मैंने जो बोला वो तो कुछ भी नहीं है, टीचर पूरा अमलन मशक करके तस्वीर बनाकर सब चीज़ एक्सप्लेन करता है, तब तो हम उसको एजुकेशन का पार्ट मानते, कभी नहीं बोलते कि ये फ़ाहिश है, पार्ट ऑफ एजुकेशन है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम 8th क्लास में शुरू होता है, 8वीं जमात से बढ़ते बढ़ते 12वीं तक जाने तक पूरा एलाबोरेशन, तफसीलात और ये और वो सब होता है। मैं समझता हूँ बहुत कॉमन है, ऐसा कुछ भी नहीं है शहरों के अंदर जो नहीं होता है और मैंने उसको कोट किया, बल्कि इसके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मालूम होने से लोग समझते कि हमको सिर्फ दुनिया में जो बताया जा रहा है वो करना, इस्लाम ने इसमें रहनुमाई नहीं की। तो इस्लामिक रहनुमाई हम चाहते हैं लोगों को बताएं कि इस मसले में भी इस्लाम ने दिया है, तो लिहाजा आपको कहीं दूसरी तरफ जाने की, जॉन और पॉल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नमूना है, सहाबा ने उसकी वजाहतें भी की है जहाँ ज़रूरत है, हमारे पास नमूना है, हम उससे स्टडी कर लें। रहा अलग से लेडीज़ का लेना, ये तो और बड़ा फितना हो जाएगा, मुझ पर नए इल्ज़ाम लग जाएंगे कि औरतों को अलग से बुला के अनुमान लिया गया, ये तो कम अज़ कम कॉमन गैदरिंग है, तो लोग शक और शुबे में पड़े हुए हैं। जब अगर स्पेशल गैदरिंग होंगी तो इल्ज़ाम के पुल और ज़्यादा हो जाएंगे, तो लिहाजा ये हिकमत के तहत रखा गया। रहा आपने जो आदाब मुबाशरत कहा, वो हमने पब्लिकली नहीं दिया था, लेक्चर पब्लिकली किसी को सुनना है तो वो सुन सकता है, क्योंकि इंटरनेट एक ओपन मार्केट है जहाँ जिसको जो चाहिए वो आदमी वो देख रहा है, जो अपनी इस्लाह के लिए ये देखना चाहता है उसके लिए वो इल्म है, और वहाँ 1-to-1 लोग देख रहे हैं। जो अपनी इस्लाह नहीं चाहता, कुछ और काम कर रहा है, बहरहाल वो भी कर रहा है, उसमें कोई वो नहीं है, तो वो तो बहरहाल एक स्पेशल इंडोर प्रोग्राम था, तो उसमें ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया। और ऐसे उनवानात याद रखे, चाहे फैमिली प्लानिंग हमने इससे पहले लिया था आज से जो 2012 में, अल्हम्दुलिल्लाह इसके इतने अच्छे रिस्पॉन्स आए कि आज मैं खुश होता हूँ उस प्रोग्राम के ऊपर, अल्लाह ने हमसे कुछ काम लिया। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिसने एक इंसान की जान बचा ली उसकी मिसाल ऐसी इंसानियत की जान बचाई। कई लोग आज मिलते और कहते हो 2000 का प्रोग्राम देखे, ये जो मेरा लड़का है ना, इसको मारने जा रहे थे, उसने प्रोग्राम देखा कि मार नहीं सकते, ये देखिए हम, तो खुशी होती है एक जान बच गई अपने, बस इतनी खुशी है।
الحمدللہ. تو اس کا مقصد ہوتا ہے, دیکھیے علماء نے جو کتابوں میں لکھا اس زمانے کا میڈیا تھا, الحمدللہ انہوں نے کام کیا. آج کا میڈیا کیا ہے, کتنے لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں, ہم میں سے سنا دو بتا دو دکھا دو, یہی چل رہا ہے. ہم نے سوچا اس میڈیم کے ذریعے بھی ہم کتاب و سنت کا صحیح پیغام لوگوں تک لے جائیں, بس یہ انٹینشن تھا ہمارا. اس کے علاوہ نہ فحش گوئی کرنا, نہ بری باتیں کہنا, نہ گندی باتیں کہنا لوگوں سے, یہ کوئی اس کا مقصد تھا, بلکہ کتاب اور سنت کیا ہے اس کو بتانا, یہ مقصد تھا. رہا بچوں کا تو میں نے وضاحت کر دی, چھوٹی سی کلاسز سے بھی بایولوجی کا سبجیکٹ پڑھیے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی بچوں کے لیے نئی بات نہیں. ہاں گائیڈنس اس میں ہوگا کہ بچے بھی اگر کوئی اس میں لت میں لگے تو وہ اس سے نکلنے کی بہرحال کوشش کر سکتے ہیں.